हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में, किसानों के बारे में बोले, बोले कुछ नहीं, बोले सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। चलो चल गए, जय ऑल असम। नमस्कार, रिपुन बोरा जी, सेकिया जी, जितेंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था, और शायद आपको यह बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है उसके लिए असम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं, और जब मैं आता था हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे, और मेरी जो असम की जानकारी थी एक एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे, और मुझे लगता था हर बार मैं वापस जाता था मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया, जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे, मतलब यह नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, यह तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता,
रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे और हमारी जो टीम थी और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। आज मुझे बताया गया कि जो पुरस्कार असम के सिपाही को दिया गया, तरुण गोगोई को दिया गया, उस व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश को जोड़ा, उस व्यक्ति को जिसकी पूरी जिंदगी इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए गई, और मैंने देखा कि उसी लिस्ट में जिसमें तरुण गोगोई जी का नाम था, उसी लिस्ट में पीएम ऑफिस का एक ब्यूरोक्रेट का नाम था। और मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया। एक तरफ एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जान दी, जिंदगी दे दी, असम को जोड़ा, भारत का झंडा, उसकी रक्षा की, और दूसरी तरफ पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो। तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके असम अकॉर्ड, जो एक प्रकार से असम का प्रोटेक्टर है, आपकी रक्षा करता है, औजार वही है, शांति का औजार वही है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल्स को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और एक इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, मगर असम की जनता में वो कॉन्फिडेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि मिलके बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये आप में कैपेबिलिटी है, मगर अगर ये प्रदेश फिर से बट गया, जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं, तो फिर बीजेपी का और आरएसएस का नुकसान नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर का नुकसान नहीं होगा, असम का नुकसान होगा,
और जितना आसाम का नुकसान होगा उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा। क्योंकि आप अपनी जगह समझो, आप कोई छोटे प्रदेश नहीं हो, आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के एक सुंदर फूल हो। और देश को जितनी आपको देश की, ये बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं, जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है। तो असम में हिंसा आएगी, असम बटेगा तो हिंदुस्तान को चोट पड़ेगी और असम को चोट पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, इस पे लिखा है CAA, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। हम दो हमारे दो अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब मैं आपको बड़ी सुंदर तरीके से, अब मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाता हूं कि बीजेपी असम अकॉर्ड को खत्म क्यों करना चाहती है, हिंसा क्यों लाना चाहती है, CAA क्यों लाना चाहती है। मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये है 100 रुपए का नोट, है ना, ठीक है, ये है 50 रुपए का नोट, ये है कितने का, ये 10 का, और ये है 2 सिक्के 7 रुपए के। मतलब 167 रुपीस, है ना, ठीक है। अब आप मुझे समझाइए, 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है ना भैया, इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन, चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये असम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर असम से चोरी करनी है तो असम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर असम को डिवाइड नहीं किया तो असम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे, और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। मतलब 365 रुपीस, और जो हमारे टी वर्कर्स हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे।
अब आप पूछोगे अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सीधी सी बात है, वो आपका जो है वो आपसे छीन रहा है। मजदूर भूखा मर जाता है, इनकी सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना आया, देश के सब मजदूर सड़क पर वापस घर की ओर चले, हाथ जोड़ के ये मांगा था उन्होंने नरेंद्र मोदी से, इससे ज्यादा नहीं, बस का टिकट दे दो। अच्छा ठीक है, बस का नहीं देना तो रेलवे टिकट तो दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम कौन हो? हम दो, हमारे दो, और किसी को कुछ नहीं। हम दो हमारे दो, तो सुंदर पोस्टर बना रखा है, हम दो हमारे दो। बाकी सब मर लो, हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान को आज चार लोग चलाते हैं, और असम के लिए मैं उसको थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं। हम दो हमारे दो, और हमारे दो और जो असम को चला रहे हैं, हम दो हमारे दो हमारे दो, और असम से सब कुछ लो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में किसानों के बारे में, बोले कुछ नहीं, बोले सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। तो सिस्टम बहुत सरल है, असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो, और जो असम का है ले लो। अच्छा भैया एक बात बताना, एयरपोर्ट किसको दिया, नाम बताना मेरा। हम दो हमारे दो ना, उसी को एयरपोर्ट मिला ना। अरे भैया क्या, भैया आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो सब कुछ लेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात है, जो आपका है वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी, तो जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, और जो जो असम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी। मैंने नोटबंदी की, जीएसटी की, कोरोना की थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको असम के बारे में बताया, और जो असम में हो रहा है वो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोजगार हिंदुस्तान में छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, किसान और छोटे व्यापारी तैयार करते हैं, पैदा करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं पैदा करते। यहां युवा जो आए हैं, आपको तो मालूम है
कि असम को, अगर हम असम की बात करें तो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। असम का युवा जानता है कि बीजेपी सरकार हो तो असम में उसे रोजगार नहीं मिल सकता, यह तो पक्का है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सड़क पे जाइए पूछ लीजिए, भैया यहां रोजगार मिला किसी को? ना, कहीं नहीं। इसका कारण है और मैं कारण आपको समझाना चाहता हूं। रोजगार छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस तैयार करते हैं और पिछले 5-6 सालों से इस रोजगार की रीढ़ की हड्डी पर नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण नोटबंदी, आपके जेब से 500 और 1000 रुपए का नोट निकाला और जो छोटे छोटे बिजनेस थे एक के बाद एक वो बंद हुए। किसानों के घर में से पैसा निकला, मजदूरों के जेब में से पैसा निकला। नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, फिर वही बात जो नोटबंदी के पीछे सोच थी, कमजोर लोगों को मारो, गरीबों को मारो, उनसे पैसा छीनो, वो ही जीएसटी में किया। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा तुम्हारा हुआ, हां या ना? देखिए यही पूछ लेते हैं, बताओ जीएसटी से फायदा हुआ नहीं हुआ? पूरा देश ये चिल्ला रहा है जीएसटी से फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना में लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने इनका कर्जा माफ किया, हम दो हमारे दो का, गरीबों से फिर से पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। और आप 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये देश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है, सच्चाई। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे इस रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे बिजनेस वालों की, मिडिल साइज बिजनेस वालों की। हम जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। और जब हम यहां सरकार में आएंगे 2-3 चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो नफरत फैलाई जा रही है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हर जात, हर धर्म, हर भाषा, हर व्यक्ति की हम रक्षा करेंगे और हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी बात, जो हमारे युवा हैं, आपको याद होगा 2004 के पीरियड में, 2014 तक आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। आपको याद होगा कि युवाओं को रोजगार मिलता था, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो आपको आज दुख हो रहा है, जो आपके दिल में घबराहट है, हम इस घबराहट को मिटा देंगे और हम आपके लिए असम में रोजगार पैदा करेंगे। यह मेरा पहला दौरा है और मैं यहां फिर से आऊंगा, असम आऊंगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, आज मैंने सिर्फ 2-3 मुद्दे उठाए हैं, मगर ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, युवाओं को यहां रोजगार मिले,
चुने हुए लोगों की सरकार ना हो, दो तीन लोगों की सरकार ना हो, भ्रष्ट सरकार ना हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत से आप सबको जिताना है। रिमोट कंट्रोल से देखिए, देखिए रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन जरूर चल सकता है, मगर असम जैसा प्रदेश नहीं चलना चाहिए, रिमोट कंट्रोल से नहीं चलना चाहिए। आपका चीफ मिनिस्टर हो, असम का चीफ मिनिस्टर हो, असम की जनता की आवाज, जनता की आत्मा को समझे और असम के लिए काम करे। आज जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो असम के लिए काम नहीं करते हैं, वो सीधा ऑर्डर नागपुर और दिल्ली से लेते हैं, और जो दिल्ली और नागपुर और गुजरात के लोग उनको कहते हैं वो असम में पूरा करते हैं। ऐसी सरकार से असम को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी सरकार से असम के युवाओं को नुकसान होगा, इसीलिए हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी बहुत बहुत धन्यवाद थकिल। एतिया आमार मजत आमार का विरोधी आंदोलन आग भाग लुआ आमार कांग्रेसर আমার ফুকন ডাঙরিয়া আছে, তেখেতক এটি গীত পরিবেশন করবলে অনুরোধ জানাইছো। ইয়ার পিছতে আমি এই সভাখন সমাপ্ত করিম। আমি অসমীয়াই কাল আলো, কাল আলো, সকলে কাল আলো বলে কয়ে যাব আমাক একেলগে আমার গীত লগত। আমি সকলে এই গীতটি পরিবেশন করেছো। এতিয়া আমি
यहां इसलिए आया हूं और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और जो जो असम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी।